डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ग्राफ ट्रैवर्सल मेथड्स, जिसमें हमारे पास दो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स आते हैं, ब्रेथ फर्स्ट सर्च दैट इज BFS एंड डेप्थ फर्स्ट सर्च दैट इज DFS। अगर हम बात करें इन दोनों मेथड्स की, तो ये दोनों मेथड्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके प्लेसमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इन दोनों मेथड्स को ही आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ और सबसे इजीएस्ट वे से आपको इसको समझाऊंगा। तो गाइस, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया, अगर कर भी दिया तो और डिवाइस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, बहुत जरूरी है सब्सक्राइबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्राफ ट्रैवर्सल? द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग एंड एक्सप्लोरिंग अ ग्राफ फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड अ ग्राफ ट्रैवर्सल। आप ग्राफ ट्रैवर्सल की भी बात कर सकते हो, ट्री ट्रैवर्सल भी बोल सकते हो, बिकॉज एवरी ग्राफ इज अ ट्री। बट ट्री मे और मे नॉट बी अ ग्राफ, बट एवरी ग्राफ इज व्हाट अ ट्री, क्योंकि उसमें जो ग्राफ होता है उसमें साइकिल अलाउड होते हैं बट ट्री में नहीं होते, तो ग्राफ इज अ बिग टर्म। तो देखो, यहां पे हम लोग दो मेन चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक तो विजिटिंग अ वर्टेक्स और दूसरा एक्सप्लोरिंग अ वर्टेक्स। मतलब जो ग्राफ होता है उसके अंदर आपको पता है कि वर्टेक्स होते हैं, एजेस होती हैं, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, दो चीजें मैं यहां पे करूंगा। एक तो विजिट करूंगा, मैं विजिट मतलब उस वर्टेक्स पे पहुंचना, उस वर्टेक्स पे रीच करना। जब मैं उस वर्टेक्स पे पहुंच गया, अब मुझे क्या करना है, एक्सप्लोर करना। एक्सप्लोर मतलब कि वो किनके साथ कनेक्टेड है, उसके नेबर्स कौन है। तो ये दो चीजें ही आपकी मेन चीज है, ठीक है। तो यहां पे हम इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रेथ फर्स्ट सर्च और डेप्थ फर्स्ट सर्च में बेसिक डिफरेंस क्या है। ब्रेथ मतलब इस तरीके से, मतलब ये क्या करता है, एक एक करके सारे लेवल्स को फॉलो करता है। अगर मैं डायग्राम की बात करूं, जैसे एक ट्री यहां पे बना हुआ है, बिकॉज मैंने पहले ही बताया ट्री इज अ ग्राफ, एवरी ट्री इज अ ग्राफ, तो आप इसको भी ले सकते हो। तो देखो, यहां पे अगर हम बात करें ब्रेथ फर्स्ट सर्च की, तो वो कैसे चलता है, वो ब्रेथ वाइज चलता है, चौड़ाई वाइज इस तरीके से, और फिर एक एक करके लेवल को कवर करता है। तो ध्यान रखना, एक लेवल को पहले कवर करेगा, जब वो लेवल कंप्लीट हो गया तब दूसरे लेवल पे जाएगा। और डेप्थ फर्स्ट सर्च मतलब डेप्थ की तरफ, मतलब नीचे गहराई की तरफ आपको जाना है। तो डेप्थ फर्स्ट सर्च की बात करें तो हम इस तरीके से चलते हैं, यहां से अगर चलना स्टार्ट किया तो एक डायरेक्शन में गए, उसके बाद फिर नीचे गए, उसके बाद फिर नीचे गए, मतलब डेप्थ वाइज जब तक मेरे को रास्ता मिलेगा मैं चलता रहूंगा। जब रास्ता नहीं मिला, इससे आगे रास्ता नहीं मिला, तब मैं क्या करता हूं, बैक ट्रैकिंग करता हूं, तब मैं वापिस जाता हूं पिछली नोड पे। तो बैक ट्रैकिंग जो होती है वो DFS में होती है, BFS में कोई बैक ट्रैकिंग नहीं है, वो इस तरीके से एक एक करके चलता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो, अगर आपने DFS को समझना है तो सिंपल सी फंडा है कि जैसे हम लोग प्लस टू की नॉन मेडिकल मैंने ले ली, ठीक है। अब उसके बाद मेरे को पता है मैंने पाथ चूज कर लिया, लेट से बीटेक CSE, उसके बाद मेरे को पता है मैंने आगे क्या कर लिया, लेट से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जॉब सिलेक्ट कर ली। तो मतलब मैं एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा हूं। ऑल्दो प्लस टू में नॉन मेडिकल के साथ साथ आपके पास कॉमर्स भी थे, आर्ट्स भी थी, अगर हम बात करें बीटेक CSE के बाद आप MBA भी कर सकते थे, UPSC की तैयारी भी कर सकते, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन मैं एक डायरेक्शन में चलता जा रहा हूं। और जब मुझे लगता है कि डेड एंड आ गया, तब मैं क्या करता हूं, बैक ट्रैक करता हूं। तो बस ये सिंपल सी कहानी है। और अगर हमने BFS को समझना है तो इसका सिंपल सा एग्जांपल, अगर हम मैरिज का एग्जांपल है, मतलब मैरिज में जाते हो खाने पीने की स्टॉल पे, तो वहां पे आप एक डायरेक्शन में नहीं जाते, वहां पे हम क्या करते हैं, पहले एक स्टॉल पे, मतलब पहले स्नैक्स वाली पे गए, उसको कंप्लीट किया, फिर गोलगप्पे वाली वो सारी स्नैक्स वो कंप्लीट की, जब वो खत्म हो गई उसके बाद खाने वाले पे गए, फिर खाने वाले में भी सारी ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेथ वाइज चल रहे हैं रादर देन डेप्थ वाइज, कि एक ही चीज को मैं खा रहा हूं और उसी से पेट भर लिया, ऐसा नहीं होता, वहां पे हम ब्रेथ वाइज चलते हैं। तो मतलब एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूं कि वहां पे हम ब्रेथ वाइज और यहां पे हम डेप्थ वाइज इस तरीके से काम करते हैं, बस ये मेन डिफरेंस है। तो इसीलिए जो BFS होता है उसको लेवल बाय लेवल या लेवल ऑर्डरिंग भी बोलते थे, क्योंकि एक लेवल जब खत्म होता है तभी दूसरे लेवल पे जाते हैं। DFS में ऐसा कोई नहीं है, DFS में आप गहराई में जाते रहो। और अब हम यहां पे एक और एग्जांपल से मैं आपको एक्चुअल में करके दिखाता हूं कि अगर मुझे लिखना है BFS तो मैं किस तरीके से लिखता हूं, ठीक है। अगर मुझे ऑर्डर यहां पे लिखना है BFS का तो मैं किस तरीके से लिखता हूं। तो देखो, आप किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हो, कोई ऐसा पंगा नहीं है कि आपको इसी से स्टार्ट करना है, किसी भी नोट से स्टार्ट कर सकते हो। तो लेट से मैं 1 से स्टार्ट कर देता हूं, ठीक है। तो यहां पे हम कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, यहां पे हम यूज करते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो मेरा सबसे पहला विजिट किया वो मैंने रख दिया, कोई तो विजिट
कैलकुलेट करेंगे ना, कहीं से तो स्टार्ट करेंगे, अपना सोर्स कोई ना होगा, तो हमारा सोर्स जो है वो क्या है, 1 है। तो लो जी, हमने 1 से स्टार्ट कर दिया। अब 1 से स्टार्ट कर दिया, अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 पे मतलब मैंने विजिट कर लिया, विजिट कर लिया तो अब इसको बाहर निकाल लो, अब इसको एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर मतलब इसके साथ कौन कौन कनेक्टेड है, कौन कौन कनेक्टेड है, 2 और 3। आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, चाहे 2 पहले लिख दो, 3 पहले लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जो BFS आपके बनेंगे यहां पे, वो मल्टीपल भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूनिक ही बनेगा, मल्टीपल भी बन सकते हैं। लो जी, मैंने एक्सप्लोर कर लिया, अब मैं किस पे पहुंच गया, लेट्स से मैं 2 पे पहुंच गया। अब मैं 2 को एक्सप्लोर करूंगा, 2 के साथ कौन कनेक्टेड है, 2 के साथ 4 कनेक्टेड है। तो जो भी कनेक्टेड है उसको क्यू में डालते रहो, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्यू में जो डाल रहे आगे से निकालते रहो, यहां रियर से डालते रहो। तो नेक्स्ट कौन सा है, 3, 3 को एक्सप्लोर करो, 3 के साथ कौन कनेक्टेड है, 4 और 7, 4 ऑलरेडी डाल रखा है, 7 आपने पीछे से डाल दिया, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट जो है वो 4, नेक्स्ट कौन सा आ गया, 4, तो 4 को एक्सप्लोर करो, 4 के साथ कौन कनेक्टेड है, 5 और 6, तो जो भी कनेक्टेड है उनको आप डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ गया, 7, 7 को बाहर निकालो और इसको एक्सप्लोर करो। जब हमने इसको एक्सप्लोर किया, इसके साथ कोई भी कनेक्टेड नहीं है, तो ठीक है जी, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट 5 को बाहर निकालो, एक्सप्लोर करो, कोई भी कनेक्टेड नहीं है, अगर होता तो हम क्यू में डाल देते, बट ठीक है नहीं है। उसके बाद 6 को यहां से निकालो, एक्सप्लोर करो, कोई भी कनेक्टेड नहीं है। तो लो जी, ये फाइनल आपका BFS ट्रावर्सल जो है वो इस तरीके से लिखा जाएगा। बट मल्टीपल भी हो सकते हैं, जैसे मैंने 2-3 डाला, अगर आप 3-2 कर देते हो और आ जाएगा, ऐसे ही मैंने आगे 5-6 डाला, 6-5 कर देते हो और आ जाएगा। बस मेन कहानी है इसको समझना, इसकी वर्किंग को समझना। तो ये जो है वो लेवल बाय लेवल, देखो पहले हमने 1 को किया, उसके बाद 2-3 को कवर किया, फिर देखो यहां पे 4-7, देखो 4-7 एक लेवल पे थे, फिर उसके बाद 5-6 एक लेवल। तो लेवल बाय लेवल जो है वो इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। अब आ जाते हैं जी आपका DFS। तो DFS जो है उसके अंदर हम लोग, DFS के अंदर हम लोग यूज करते हैं हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर, दैट इज Stack, ठीक है। अब stack जो है वो last in first out based है, तो यहाँ पे भी हम किसी भी node से start कर सकते हैं। तो let's say मैं 1 से start कर देता हूँ, तो मैंने 1 से start किया, तो सबसे पहले आपने 1 को visit कर लिया। अब 1 को visit करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, explore कर रहा हूँ। तो मेरे पास दो option है, 2 भी है 3 भी है, लेकिन आपको किसी भी एक जगह पे जाना है। तो let's say मैं 2 पे चला जाता हूँ, तो हुआ क्या, यहां पे 1 से मैं 2 पे जा रहा हूं, यहां पे मैं गहराई में जाऊंगा, डेप्थ में। तो 1 से जब 2 पे चला गया, तो 1 से 2 पे चला गया, 2 पे पहुंच गया, तो 1 एक तरह से क्या हो गया, सस्पेंड हो गया, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। तो हमने उसको क्या कर दिया, स्टैक के अंदर डाल दिया। देन अभी हम 2 पे है, 2 से मैं चला जाऊंगा 4 पे, 2 से क्या ऑप्शन है, 4 पे जाने की ऑप्शन है। तो आप जाओ और आपने 2 को एक तरह से सस्पेंड कर दिया, क्योंकि 2 से आप 4 पे चले गए, अब आप 4 पे खड़े हो, तो 2 को आपने इसके अंदर डाल दिया। 4 से आपके पास ऑप्शन है 5 या 6, लेकिन आप किसी भी एक पे जाओगे, देखो जाते जा रहे हो ना, गहराई में जाते जा रहे हो। तो 5 पे चले गए, जब आप 5 पे चले गए तो 4 आपने एक तरह से सस्पेंड कर दिया, ठीक है। 5 के बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो 5 के बाद अब ऑप्शन नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, हम बैक ट्रैक करते हैं, हम देखते हैं कि क्या मेरे लिए कोई और पाथ है। बैक ट्रैक तभी करना है, जंप तभी करना है जब आपके पास जो है वो कोई ऑप्शन ना बचे। बैक ट्रैक तभी करते हैं जब ऑप्शन ना बचे, अगर ऑप्शन है तो बैक ट्रैक नहीं करते, बट यहां पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, एक तरह से बैक ट्रैक मतलब 5 से 4 पे, लेकिन मुझे कैसे पता 5 से 4 पे जाना है, स्टैक हेल्प करेगा। हमने यहां पे लास्ट इनएक्टिव कौन सा था, 4 था, तो ऑब्वियसली लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो 4 से हमें पता लग गया कि लास्ट में हम किस पे गए थे, 4 पे गए थे, तो 4 से हम वापस पहुंच गए। अब 4 से मेरे पास क्या ऑप्शन है, 6 ऑप्शन है, तो 4 से मैं कहां चला गया, 6 पे चला गया। 4 से मैं कहां चला गया, 6 पे चला गया, तो 4 क्या हो गया, सस्पेंड हो गया। तो दोबारा फिर डाल दो जी, 6 मेरा इसके अंदर डाल दिया हमने, जो सीक्वेंस बनेगा उसमें डाल दिया। 4 से मैं 6 पे चला गया, तो 4 को मैंने सस्पेंड कर दिया, तो दोबारा फिर इसके अंदर आ गया। अब 6 से कोई ऑप्शन है नहीं है, अब 6 से कोई ऑप्शन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, 6 से दोबारा फिर बैक ट्रैक करूंगा। मुझे कैसे पता मैं कहां था लास्ट, लास्ट दोबारा फिर चेक करो, 4 पे थे, अब वापस फिर 4 पे आके खड़े हो गए। अब देखो जी कोई ऑप्शन है,
मैं, हाँ 4 से मैं 3 पे जा सकता हूँ क्योंकि 2 तो हो चुका है, तो 4 से मैं 3 पे चला गया, तो 4 से मैं किस पे चला गया, 3 पे चला गया। अब 4 दोबारा फिर सस्पेंड हो गया, एक तरह से इसको दोबारा फिर डाल दो क्योंकि 4 से आप 3 पे चले गए, तो सीक्वेंस में लिख दो और साथ के साथ 4 को सस्पेंड कर दो। अब 3 से कोई और ऑप्शन है, यस 3 से 7 की ऑप्शन है, तो 3 क्या हो गया, सस्पेंड हो गया, तो सस्पेंड वाले को डाल दो जी, स्टैक के अंदर डाल दो, ठीक है। 7 पे पहुंच गए, अब क्या करना है जी, 7 के बाद कोई ऑप्शन है, नहीं है कोई ऑप्शन, तो मैं क्या करूंगा, बैक ट्रैक करूंगा। बैक ट्रैक मुझे क्या पता 7 के बाद बैक ट्रैक क्या है, ये तो हमें डायग्राम में दिख रहा है ना, बट एल्गोरिथम क्या कहता है, एल्गोरिथम कहता है कि आप इसको चेक करो, तो इसमें से निकाला मैं 3 पे पहुंच गया, 3 के बाद कोई और ऑप्शन है, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो ऑब्वियसली मैं फिर 4 पे, 4 से कोई न्यू ऑप्शन है और नहीं है, देन 2 पे पहुंच गया, 2 से कोई और ऑप्शन है, नहीं है, तो मैं फिर 1 पे पहुंच गया। लो जी फाइनल आपका जो है वो सीक्वेंस तैयार हो गया। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डेप्थ वाइज चल रहे हैं, वहां पे ब्रेथ वाइज चल रहे हैं, ऑल्दो दोनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम ही है, ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, सारे वर्टेक्स को और सारी एजेस को क्या कर रहे हैं, ट्रैवर्स कर रहे हैं, तो मैक्सिमम क्या हो सकती है, ऑर्डर ऑफ वी प्लस ई, टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड टोटल नंबर ऑफ एजेस। तो दोनों की कहानी जो है, इनके बीच में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। वेब क्रॉलर्स की बात कर लो, सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह की बात कर लो, नेटवर्किंग की बात कर लो, आपको चेक करना है कि ग्राफ में साइकिल है या नहीं, आपको चेक करना है मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री, तो वो सारी चीजों में आपको डीएफएस और बीएफएस की टेक्निक जो है वो यूज होती है, बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं इसकी। थैंक यू।